दोस्तों एक बात तो पक्की है, जब से बॉलीवुड की मूवीज जो है फ्लॉप होना स्टार्ट हुई है, बाकी की जो इंडस्ट्री की मूवीज है वो आगे बढ़ते हुए जा रही है। हाल में दोस्तों एक मूवी रिलीज हुई थी जो कि एक उड़िया मूवी है जिसका नाम है दमन। इस मूवी के बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था, यहाँ तक कि मैंने इसका ट्रेलर भी नहीं देखा था, लेकिन अभी जितनी भी ज्यादा इसे पॉपुलैरिटी मिली है दोस्तों ये फिल्म वो सारी चीजें डिजर्व करती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके डे टू के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, क्योंकि दोस्तों सब लोग अब जानना चाहते हैं कि आखिर फिल्म अब कितना अर्न कर रही है। आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टू बी ऑनेस्ट दोस्तों इसके आईएमडीबी रेटिंग ने ही सबको हिलाकर रख दिया था, जहाँ पर 9.7 या फिर 9.3 से मिली है 10 आउट ऑफ, जो कि बहुत ज्यादा ग्रेट है, कांतारा से तो ज्यादा ही है। और दोस्तों बात करें इस फिल्म के बारे में, तो फिल्म दोस्तों एक तरीके से डॉक्टर की स्टोरी हम कह सकते हैं, किस प्रकार से वो सबको चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं और दोस्तों उनके स्टेट में क्या चल रहा है इस मूवी से उन्होंने वो दिखाया है। और बात करें दोस्तों इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, उड़िया में ही इस फिल्म का जो बजट था वो लगभग 90 से 95 लाख था, और दोस्तों जब कलेक्शन की बात आई तो 1 करोड़ का कलेक्शन इसने अपने स्टेट से कर लिया था। लेकिन फिल्म को अब दोस्तों इंडिया में कई सारी जगह पर रिलीज किया जा चुका है, सैडली हमारे सिटी पर दोस्तों ये रिलीज नहीं हुई है। मुंबई या फिर दिल्ली ऐसी बड़ी बड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी सिटी पे ही रिलीज हुई है, वहाँ पर भी उसे ज़्यादा शोज नहीं मिले हैं। लेकिन डे टू के कलेक्शन के बारे में बात करें तो वैसे डे वन में दोस्तों इस फिल्म ने लगभग 50 से 60 लाख का कलेक्शन किया था, ऐसी अपडेट आई है, और डे टू में दोस्तों इसका कलेक्शन लगभग 70 से 80 लाख तक जा सकता है। ऑफिशियल फिगर अब तक बाहर नहीं आई है दोस्तों, क्योंकि ये फिल्म उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, अभी इसे बस शो मिलना स्टार्ट हुआ है। धीरे धीरे दोस्तों ये स्पीड पकड़ेंगी तो ये बहुत बड़े रिकॉर्ड क्रिएट करेंगी। आपको क्या लगता है इस मूवी के बारे में कमेंट में बताना। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।